नुकसान हो चुका है रात में, अब पता नहीं कैसे टूट चुका है। मॉडिफिकेशन करके रखे ना वो गलत है। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक आ न्यू मोटर ब्लॉग। तो मैंने जो अपनी हेलमेट पे मॉडिफाई करा हो ना, तो ये चीज़ देख के ना देखो कितना जिसको बोलते हैं आकर्षण बना हुआ है। तो सारे के सारे हाथ हिला दो ऐसे, वेरी गुड। सब स्कूल जा रहे हो, जाओ स्कूल जाओ, सबको टाटा बाय बाय है ना। आपको शैडो दिख रही होगी ना, शैडो में लग जाएगा पता। अब से ताबड़तोड़ मॉडिफिकेशन होने वाली है, कुछ हटके करने वाले हैं। यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूल जाओगे तो आप लोग को अपडेट नहीं मिलेगा। लेट गो गाइस, अब आगे का आप लोग को पता है क्या लाइन होने वाली। लाइन ये होने वाली कि अभी पहुँचने वालों तो कुछ ही देर में पहुँच जाऊँगा एंड आप लोगों को मिलूंगा। अरे 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 ठोक दिया था। सो कुछ देर में पहुंचने वालों, 3 मिनट में पहुंचने वालों, तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को शाम में। तो तब तक के लिए टाटा, टिल देन मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस अभी ये चीज़ मैं हटा रहा हूँ, ये दूसरी जो नीचे मरगाड़ पड़ा ये लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कल के दिन ही है, परसों इसकी पासिंग करा, चीज़ें लगानी तो मैं लगा रहा हूँ। तो अब आपको मिलूँगा सीधे लगाने के बाद ही। गुड मॉर्निंग गाइस, ये सुबह सुबह कुछ ये माहौल है घर, इसके है ना कुछ सीन हो गया। सामान जो मैंने खोल के रखा था रात को, कुछ मेरे पास एक दो टूल नहीं था तो ये खुला नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान खोलता हूँ। जब तक अभी आता तो शायद से एक ट्राई मारता हूँ, तो शायद से खुल जाए। मैं ट्राई मारने की कोशिश में जिस तभी उठा, एक तो तबीयत ठीक नहीं है मेरी, रात को बहुत बुरी हालत थी। चलते एक ट्राई मारते हैं एंड मिलते हैं उसके बाद। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक। सुबह के बाद अभी मिल रहा हूँ, वैसे मॉडल ब्लॉक का कोई खास मेरा सीन तो नहीं था, भाई क्या पासिंग थी वो हो चुकी है। काफ़ी टाइम से मैं मार्केट में नहीं आया था, आज उससे बात करते हैं 2 मिनट फिर चलते हैं। सो गाइज मैंने माइक का अभी अभी ना बैटरी लिया और आज उसके बाद जाके एक्शन कैमरा का मैंने डिस्प्ले जो है उस पर थोड़ी सी लेमिनेशन कराई है, तो मैं आप लोग को रूम पे जाके दिखाता हूँ। मुझे लगता है कुछ एक जो फुटेज है ना वो डिलीट कर दी आज ने शाही से, लगे हाथ मेरे काम भी हो गया और आ जाने का कुछ तो फ़ायदा रहा। हेलमेट भी आज चेक कराता हूँ आप लोग को जाने के बाद, तो पूरा का पूरा रुक के चेक कराएंगे घर पे जाके, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी कुछ ऐसे लगा के नहीं रखा कि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। सो पहुँचता हूँ, पहुँच के मैं आप लोग को चेक कराता हूँ। अभी साउंड की क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन है, सो नेक्स्ट ब्लॉग में जो रहेगी वो क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी होगी। तो शायद अगर बैटरी इशू होगा तब तो सही हो चुके, अगर बैटरी इशू ना हुआ तो फिर शायद से बैटरी वॉइस का यही जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा, नहीं तो फिर देखते चेंज करना पड़ेगा अपने को माइक। सो लाइट सी का मेरा जो ट्रैक का प्लान था वो सारा का सारा कैंसिल हो चुका, जो उस तबियत जो थी ना मेरी तबियत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऐसा सोचा नहीं था कि। तो क्लिनिक की बात करते हैं, क्लिनिक खुला है तो ये को पहले फ़ोन करते हैं कि भाई खुला है, खुला है हैं ना, ठीक है। सोची नहीं थी वो वाली मॉडिफिकेशन तो हो चुकी है, अभी बाकी का जो बचा है वो हम कल या परसों कर देंगे। हेड लाइट सी देखते हैं क्या होता है। लोग हैं ना ये पूरे का पूरा मैंने सामने का कवर करा है। तो गाइस मैं ना अभी पहुंच चुका हूँ, अभी अंदर घुसते हैं, भाई का कॉल आया नहीं है। सो बहुत टाइम के बाद यहाँ पर ना मेरे हिसाब से टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश है। फ्लड आने की वजह से ना इधर काफ़ी ज़्यादा जो है हालत ख़राब हो चुकी है। सो अभी अंदर घुस चुके हैं, तो दादी का कॉल आ रहा है मुझे,
पहले मैं अंदर चलता हूँ, बाइक को मैं सीधा ऊपर लेके चलूँगा, हेलमेट का वाइजर खोलता हूँ मैं, क्योंकि ऊपर का जो थोड़ा सा ऑफ रोड है ना, ऑफ रोड थोड़ा बहुत ऊपर लेके जाऊँगा और ऊपर इसको लगाता हूँ, रात को फिर मुझे लगाने में भी सही रहेगा ना, वो बहुत घास है तो ये भी निकालना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। दादी का कॉल आ रहा है, दादी एक मिनट मैं बस पहुँच के आपको कॉल करता हूँ बैक कॉल। सो मिलता हूँ मैं आप लोग को। मैंने ना ये चीज़ अभी फोकस नहीं पकड़ रहा, अभी ये चीज़ तो नेगेटिव वाइब्स मेरे हिसाब से अभी आ रही है, तो ये मैंने मॉडिफाई करके रखा था ना, बट जिस हिसाब से मॉडिफाई करके फोकस नहीं पकड़ रहा सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के। तो ये मेरा सेटअप है, ये मैंने मॉडिफिकेशन करके रखी थी, बट लोगों का रिएक्शन बहुत तगड़ा है और कुछ। तो आप लोग को बताओ ये लगाना चाहिए नहीं लगाना, मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए यार, बहुत ख़तरनाक लग रहा है, डरावना लग रहा है, तो ये चीज़ को हटाता हूँ मैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। अभी मैं इसको कंटिन्यू क्लोज कर रहा हूँ, मैंने हेलमेट पे लगाया हुआ ना मॉडिफिकेशन करके, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है कैसे लग रहा, तो ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो नहीं कर रखा जिन्होंने, वो फॉलो कर लो, आईडी की लिंक मैं नीचे डाल दी हुई। तो फिर मिल, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, बाकी जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा तो मॉडिफिकेशन हो चुकी है बाइक में, तो जो मॉडिफिकेशन करी है वो मैंने दिखाई नहीं है, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को सब कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप लोग को नए ताबड़तोड़ ब्लॉग में। के लिए टाटा बाबा, गुड नाइट।